Cinestars. We are Cinestars. कॉल लेटर पाने वाले टॉप 75 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ मेगा ऑडिशन। कोरियोग्राफी राउंड, इम्प्रोवाइजेशन राउंड और फाइनल राउंड। एक चीज आप सब में कॉमन है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे। देखो राज, क्या हुआ मेरी प्रीति जिंदा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। It was great. जो 12 कंटेस्टेंट्स इन तीनों राउंड्स को पार कर जाएंगे, वो साइनिंग अमाउंट पाकर शामिल हो जाएंगे ब्लॉकबस्टर 12 में। Yes, you are selected. So thank you so much. दो कंटेस्टेंट्स सैयद ममून और भावना कल ही ब्लॉकबस्टर 12 में अपनी जगह बना चुके हैं। आज किन 10 को मिलेंगे साइनिंग अमाउंट्स, जानने के लिए वेलकम बैक टू द मेगा ऑडिशंस ऑफ सेरा प्रेजेंट्स इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार की खोज पावर्ड बाय ग्लैमर। दोस्तों यहां जो कंटेस्टेंट्स आप देख रहे हैं, ये दो राउंड्स कोरियोग्राफी राउंड और इम्प्रोवाइजेशन राउंड को क्लियर करके यहां तक पहुंचे। अब बस इन्हें एक आखिरी राउंड बेस्ट परफॉर्मेंस राउंड क्लियर करना है। इस राउंड में इन्हें एक फिल्म का सीन दिया जाएगा और इन्हें दो दो की जोड़ियों में बांट दिया है, तो इन्हें साथ मिलकर परफॉर्म करना है। जो कंटेस्टेंट इस पे खरा उतरेगा उसे उसकी जिंदगी का पहला साइनिंग अमाउंट मिलेगा, 25,000 रुपए का चेक बाय डीएसके ग्रुप, और हमें मिलेंगे हमारे ब्लॉकबस्टर 12। फाइनल राउंड में अब जजेस के सामने आने वाली है 5 फुट 10 इंच के अभिमन्यु और 4 फुट 9 इंच के दीपक की जोड़ी। नहीं 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 ना मेरे ढूंढे हैं इस कदर क्यों तुझे, नए नए मंजर ये थकते हैं इस कदर। हम तीनों की तरफ से यूनानिमसली अभिमन्यु, यू आर गेटिंग अ कॉल लेटर। पुनर्जन्म की थीम मेरे पास थी और मैं इस जन्म में डॉक्टर था और पिछले जन्म में क्रिकेट कमेंटेटर था, तो मेरी डॉक्टरी में वो कमेंट्री या कमेंटेटर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दिखने चाहिए थे। मैं जब खाना खा लेती हूँ ना डॉक्टर साहब, हाँ? तो मुझे भूख नहीं लगती, मुझे पता नहीं क्यों। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपकी जो पिच है ना, पिच उसका आकार थोड़ा बढ़ गया है। मैम जीरो तो दिख नहीं रहा मुझे, इसमें एक के साथ साथ दो जीरो दिख रहे हैं। जो सचिन बनाते हैं ना बैटिंग करते टाइम, जब हम कहते हैं ओह व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, स्ट्रेट आउट द कवर बाउंड्री फॉर 4 एंड सचिन स्कोर्स 100, इस तरह से। कोरियोग्राफी राउंड हो या इम्प्रोवाइजेशन राउंड, दीपक और अभिमन्यु ने दोनों ही राउंड्स बड़ी आसानी से पार कर लिए। अब बारी है स्क्रिप्ट राउंड की। दीपक मेरे पार्टनर है, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। छोटा हूँ पर गुरु हूँ बम की तरह, स्टेज में फटूंगा तो धमाका होगा। जो सीन हम इनैक्ट कर रहे हैं वो है फिल्म फिर हेरा फेरी का, जिसमें परेश रावल साहब टॉवल लगा रहे होते हैं जॉनी लीवर साहब के घर के छत पे, और वो आके आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं। सपने की तरह था कि मैं जिनको मैं टीवी में देखता आ रहा हूँ, जिनको मैं अखबारों में पढ़ता आ रहा हूँ, जिनकी इतनी फिल्में देखता आ रहा हूँ, वो मेरे सामने होंगे, उनके सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात। डर तो है, अंदर से सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा कैसे, क्योंकि कॉमिक एक्ट है और आपको पता है कॉमिक कितना मुश्किल होता है, एंड बस कोशिश कर रहे हैं कि सब सही से हो जाए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जगनेश देवा, माता जाके या, इधर मस्त धूप आती बाबा, बढ़िया। ए शाने बटले तेरे को बोला, ए शाना नहीं रे बाबा, आपते बाबू राव गणपत राव आपते।
ए तू आपटे है, तू झापटे है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। ये मेरी छत है, यहाँ पे कपड़े सुखाने का नहीं। छत तेरी है तो रस्सी तो मेरी है। मैं तेरी छत पे थोड़ी ना टांग रहा है, मैं तो अपनी रस्सी पे टांग रहा है। ए ज्यादा शाणा मत बन, समझा? ये बाबा लगता है ये छत तेरे बाप का है। अरे मेरे बाप का नहीं है तो क्या तेरे बाप का है? मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा छत है। हो? अगर कोल्हापुर में इतना बड़ा छत है तो जाके कोल्हापुर में सुखाना, यहाँ क्यों सुखा रहा है? हिम्मत करता है, ये कोल्हापुर में अगर धोती सुखाएगा तो मैं क्या पहनेगा इधर? ए, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना अभी मैं तेरे को फोड़ देगा, बता रेला है। मैं फुक्का क्या फोड़ देगा? मैं तेरे को पकड़ के घसड़ के घुमा के रगा के नीचे फेंकेगा छत से, समझा? नीचे फेंकेगा तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगा। ये माला मेरा दिमाग का दही मत कर, समझा? अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा, अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? तू क्या दिखाएगा? अबे तू क्या दिखाएगा? पहले बता ना। मैं दिखाता हूँ। ऐसा क्या? ये ले। अभी क्या करेगा? 56 इंच का छाती है तेरे भाई का। ये ले, 56 इंच का पेट है मेरा। बस उतना ही चे है? और देखेगा? दिखाना ले फिर, ले और देख। ये ले फिर, ये ले, ये ले, ये ले, देखा देखा देखा। क्या है ये? मेरे कपड़े है, ये तेरे कपड़े है, ये मेरे कपड़े है, पागल है क्या? ये उठा उसे, बता, उठा उसे। बता क्या करेगा, बता। मैं ना, मैं इसको दोबारा यहाँ लगाएगा और मैं फिर से इस पे अपना कुर्ता टांगेगा। बोल अब क्या करेगा तू, बोल। इधर देख, बताता है तेरे को। ये तू मेरे को चाकू मारेगा रे? ये मैं तेरे को चाकू नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा रे? आज मंगलवार है रे, मेरा व्रत है। मंगलवार को बस मैं चाकू दिखाता है, मारता नहीं है। ये तू भी मंगल वाला है? ये गले मिल रहा भाई, गले मिल, ये गले मिल, ये गले मिल, चल गले मिल, गले मिल। तू भी मंगल वाला है? मैं भी मंगल वाला। तो मंगल का तू चाकू दिखाता, मारता नहीं। तो और मंगल को मैं किसी से डरता नहीं। ये तेरे को तो मैं बुधवार को आके चाकू घुसेड़ेगा। ये मंगलवार है, देख, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, लेकिन सबको छोड़ के मैं नहीं डरता। ए तू चल रे, तू निकल रे। अबे भूत, हट हट हट। अच्छा रुक गए और कपड़े खुल जाते। एक छोटा ही था, अच्छा था। इन्हें कपड़े पहनने दे, ये ऐसे ही ठीक है, ऐसे अच्छे लग रहे, कितने मास्टर, वेरी नाइस है। ओ गॉड। दीपक अभिमन्यु सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, वेरी गुड टाइमिंग। और मुझे मालूम है कि आप लोग को ज्यादा वक्त मिला नहीं है ये परफॉर्म करने के लिए। जी सर। और याद करने के लिए भी नहीं, और ये काफी मुश्किल सीन था। और दीपक सर फैंटास्टिक है। थैंक यू सर, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, सुपर्ब टाइमिंग। अभिमन्यु वेरी नाइस, दिल्ली का आरजे, हाँ, और पूरा एक्सेंट पकड़ रहा था यहाँ का। सर कपड़े उतर गए नेशनल टीवी पे। चलो अब हम आपकी इज्जत और नहीं उतारेंगे, अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। एक बात कह, इसने ना इम्प्रोवाइज किया था बीच में, वो इस कपड़े गिरने के बाद छोड़ा नहीं एक्ट तुमने पकड़ और के, वो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, फैंटास्टिक, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। साइनिंग अमाउंट इज लाइक माय फर्स्ट सैलरी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो सीधे जाएगी मेरी माँ के पास। पेरेंट्स के लिए कुछ, पहले उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पहला जो इसको साइन अमाउंट मिलेगा वो भी बहुत मायने रखता है, और ऐसे ही इसको हमेशा साइन अमाउंट मिलता रहे। ओ गॉड, वो जाके हॉल में ऐसे घर पे ऐसे मैं फ्रेम करके रखने वाली हूँ, इंडिया बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज का साइनिंग अमाउंट। वाह, अगर मुझे वो पहला साइनिंग अमाउंट मिलेगा भाग के वडोदरा जाऊंगी, सबसे पहले अपनी मम्मा को वो साइनिंग अमाउंट दिखाऊंगी और उन्हें क्रेजी कर दूंगी। इट इज गोइंग टू बी अ ड्रीम कम ट्रू इफ आई क्रैक द टॉप 12 और मुझे वो साइनिंग अमाउंट मिलता है, तो शायद मैं उन पैसों को कभी खर्चू ही ना, आई विल जस्ट कीप इट एज अ मेमोरी।
12 साल थिएटर किया है, लगता है कि 12 साल बाद अब सफल मिलने का टाइम आ गया। आपका एक्ट आज बहुत एंटरटेनिंग था, आई थिंक सबसे बेहतरीन एक्ट आप दोनों का था। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके हिसाब से आप दोनों को लेना चाहिए, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही ब्लॉकबस्टर 12 में साइन हो। अभिमन्यु आप जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर 12 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दीपक एक बात सुनो, क्या होता है 12 लोग हम लिस्ट लेके बैठते हैं, 6 मतलब यू नो उस तरह से 12 लोग ही सिलेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग छूट गए, लेकिन किसी और के छूटने का मुझे उतना रंज नहीं हुआ जितना आपके छूटने का रंज हुआ है। और मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द, और ऐसे खोखला वादा नहीं है, मेरे दिमाग में किरदार भी है, कैरेक्टर भी है, उसमें मैं आपको जरूर कास्ट करूँगा बहुत शीघ्र। बहुत धन्यवाद सर, सर सबसे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए यही है कि आज मैं इस मंच में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैंने 12 वर्ष रंगमंच में काम किया है, और इतने साल काम करने के बाद हम लोग मंच में बहुत नाटक करते आए हैं, लेकिन जितना सम्मान इतना प्यार आज मुझे इस मंच में मिला है, शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर इसी उम्मीद से मंच को छोड़ता हूँ कि दोबारा जल्दी आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। All the best, Deepak. Thank you, sir. और अभिमन्यु सुनो भाई, ये तो मतलब यहाँ से लंबी कूद मारनी है तुम्हें, तो आपको साइन किया जाता है ब्लॉकबस्टर सुपर 12 में, DSK की तरफ से 25,000 का चेक आपके। Thank you, thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you so much. दीपक अभिमन्यु से कहीं बेहतर एक्टर है, लेकिन ये शो है सिनेस्टार की खोज, हम एक स्टार को ढूंढ रहे हैं, और दीपक की कास्टिंग में हर कैरेक्टर में नहीं कर सकता, दीपक को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में ही कास्ट किया जा सकता है, बल्कि अभिमन्यु को मुझे लगता है मौका देना चाहिए। बुरा लगेगा सुन के, ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है कि अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है सिनेस्टार की खोज के लिए। अगर ये क्वालिटी नहीं होती तो आज मैं भी बहुत बड़ा स्टार होता। फाइनली मैं ब्लॉकबस्टर 12 में आया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड अब कंपटीशन और टफ है, क्योंकि मंजिल जो है वो सिनेस्टार बनने की है, इसलिए टॉप तक पहुंचना है तो अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट राउंड जो है वो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पर, बस स्टेज पे जाना है, आग लगा के आ जाना है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैं 35 साल का हो गया हूँ और आज तक मैंने किसी लड़की को टच नहीं किया। इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी। देखा देखा, फिर वही किया ना तुमने, तुमने फिर से वही किया। अरे तो इसमें गलत क्या है, गलती से नजर अगर वहां चली गई तो इसमें बुरा क्या है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट, मीन यू रिजेक्टेड मी फॉर दैट। तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। आपका एक्ट जो साथ का था वो इंटरेस्टिंग था, लेकिन जिस लेवल का हम सोच रहे थे वो वहां तक नहीं पहुंच। अच्छा वैसे एक बात कहूं, तुम्हारे ये पैर है बड़े खूबसूरत। अरे जंगली वैभव, कभी इश्क किया आपने? अभी तक तो नहीं सर। पता चल रहा था बेटा। जब दिल की धड़कनें तेज होती हैं तो क्या होता है? हाई बीपी, हार्ट फेल भी हो सकता है। अरे बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है यार। अनफॉर्चुनेटली आगे जाते हुए वही जो स्पार्क था कहीं पे दब गया। ब्लॉकबस्टर 12 में आप चारों में से कोई भी नहीं। ब्लॉकबस्टर 12 में हम आपको नहीं लेके जा पाएंगे। खुद को ये लगता है कि शायद मुझसे बहुत बेहतर लोग यहाँ पर हैं।
मेरे पास एक ऑडिशन का सर्टिफिकेट है जिस पर तीन लोगों के सिग्नेचर है। तो मैं लोगों को बोल दूंगा कि मैं टॉप 12 में गया था। मिलते हैं हमारे जी सिनेसास के जय और वीरू से, शीतल और सोनम। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। दो महीने पहले हम थिएटर में मिले और फिर हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। हम साथ घूमने लगे। लिपस्टिक लग गया। हमें एक दूसरे से एनर्जी मिल रही है। हम एक दूसरे को बहुत बूस्टअप करते हैं। वी आर लाइक अ टीम। या वी आर लाइक अ टीम। हर राउंड धीरे धीरे क्लियर करते आ रहे हैं। क्या शीतल और सोनम ये आखिरी राउंड साथ में क्लियर कर पाएंगे या नहीं? नासिर, सोनम, शीतल, मनोज, आपका जो परफॉर्मेंस था अच्छा था। ए मिली, ए सुदना, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? ए मिली, क्या हो गया? अरे सुदना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तू बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? मेरा रास्ता छोड़, चल यहाँ से मुन्ना। अरे अब इसमें अबून की क्या गलती? क्या गलती है तेरी? तो ये मुझसे पूछ रहा है? किसने कहा था तुझे वहां जाकर उस आदमी से झगड़ने के लिए? और वो क्या बोला, तू सुनी? सुना मैंने, ठीक है ना? और ये भी देखा जो तूने किया। किसने कहा था तुझे वहां जाकर के पैर पसार के बैठने के लिए? मजे करने तो सब आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि पैर पसार के बैठ जाओ। छी, नासिर और सोना बहुत टेंशन दे रहे हैं आपको ना। हमको ब्लॉकबस्टर 12 चुनने, जो 12 जो नंबर है ना जिसमें हमें बांध के रखा है, नासिर आप उस नंबर में फिट नहीं आ रहे। आपका सफर यहीं खत्म होता है। शीतल, मनोज, तुम बैठ तक आ गया? अरे जिस तरह तू गरम है, तेरा बेड भी बड़ा नरम है। बड़ा डेयरिंग है रे तू। चल नंबर दे। नया कार्ड छपवाया से? राम रजाड़ी त्रिची बिजनेसमैन। चल चल, मन किया तो कॉल करूंगी, मन किया तो मिलने आऊंगी। मनोज, कुछ स्पेशल है आप, बहुत टैलेंट है आप, लेकिन कहीं पे अनफॉर्चुनेटली आज आपका सफर यहीं खत्म होता है। थैंक यू बॉयज। सोनम और शीतल, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर कोई एक जा सकता है, आपको क्या लगता है आप में से किसको जाना चाहिए आगे ब्लॉकबस्टर 12 में? मुझे लगता है सोनम ने अच्छा किया। नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों ने अच्छा किया। ये आपका डिसीजन है। अगर हम दोनों में से कोई एक भी आगे जाता तो मुझे बहुत खुशी होगी। एटलीस्ट हम में से एक तो आगे बढ़ा। मुझे लगता है दोनों नहीं जाने चाहिए। तो सोनम और शीतल, आई एम सॉरी टू से, ब्लॉकबस्टर 12 में आप दोनों सेलेक्ट होती हैं। Congratulations!
कैसा लग रहा है ये 25,000 रुपए का साइनिंग अमाउंट? अभी भी शिवर कर रहे हैं हाथ। चेक तो आप लोगों को मिला ही है, लेकिन साथ साथ में ये दो जैकेट्स भी हैं। जैकेट है एंड दिस इज बाय DSK यो संग, दीज आर राइडिंग जैकेट्स, पहन लीजिए पहन लीजिए। तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हाँ, जो अगला जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं, हाँ, उस जोड़ी में एक लड़का है कार्तिक व्यास, मेरा फेवरेट है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट, और यू विल प्रोबेबली एंजॉय हिम एज मच एज मी इफ नॉट मोर। ही इज, वी शुड नॉट टेल हिम, लेट्स सी द रिएक्शन। तो चल मैं सरप्राइज खेलता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है, हाँ, मुझे लगता है कि मजा आने वाला है। अगली जोड़ी है कार्तिक व्यास और मीनू पांचाल। हाँ, मैं कह रहा था कैफ़ला से हूँ, मैं अल्हबतमी रहता हूँ, मैं इतना इस कारा इस तक इस वक़्त यार। मेरा बेटा कार्तिक व्यास जब से ये पैदा हुआ है तो 3 साल तक बोला, लेकिन 3 साल बाद इसका सुनना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। इस समय कार्तिक ने जो है कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BFA इसमें साइड में एडमिशन लिया है, और उसको पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और एक्टिंग भी कर लेता है अच्छे से। वो बोलता है कि सब लोग बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन हम तो सुन नहीं पाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, वो ऐसा सोचता है। लेकिन हम उसको इंस्पायर करते रहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, जो होगा अच्छा होगा। आज कार्तिक जो है कि बर्फी के पिक्चर की रणबीर कपूर का एक्ट करेगा, और उसके साथ मीनू पंचाल जो है वो प्रियंका चोपड़ा का एक्ट करेगी। सावले से रात हो। स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन करने के टाइम पे मेरे इनपुट से ज़्यादा मैं कार्तिक के बारे में सोच रही थी, क्योंकि कार्तिक ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने की, और लकीली टच वुड हम लोग बहुत अच्छा बॉन्ड कर रहे थे। होपिंग फॉर द बेस्ट, वी आर गोइंग ऑन स्टेज। कार्तिक, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। Thank you.
मीनू। हाँ जी सर। मीनू तुमने ही बहुत बढ़िया निभाया। बहुत मुश्किल है क्योंकि सीन, मैं सोचा सीन क्यों कर रहे हैं, कैसे मतलब कैसे निभाएंगे, स्टेज है, कैमरे नहीं है, लाइट्स नहीं है, विजुअल नहीं है, लोकेशन नहीं है, साइलेंट सीन होल्ड कैसे करेगा, लेकिन इट वॉज वेरी नाइस और अमेजिंग कार्तिक, इट इज आउटस्टैंडिंग। मैं उसको पूछा, पता तेरे को वो आज आज गरम डेचकी उठाया तो को ये क्यों नहीं लगा, तो ये सिर्फ वो कपड़ा डाल के उठाया, आपने देखा नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू मीनू। कार्तिक फैंटास्टिक, फैन। मीनू जी मैम और कार्तिक, दोनों का आज का परफॉर्मेंस अच्छा था। मीनू आप ऑडिशन से जब आई हैं, हम कई बार कहते हैं कि मुझे आपकी ऑडिशन आज भी याद है, लेकिन आपके बारे में कहूँगी कि मुझे आपकी ऑडिशन अभी याद नहीं आ रही है, क्योंकि आप हर राउंड में बेटर होती जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। Growth is always good, और growth always makes us happy. Thank you so much. So, Meenu, blockbuster 12 में आप sign की जाती हैं। कार्तिक की मम्मी को बुलाएं। कार्तिक की मम्मी जी, कार्तिक में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको कार्तिक आगे किस तरह लेके जाएगा, हम जब अगले लेवल पे जाएंगे और एक्ट्स आएंगे, क्या वो इसे निभा पाएगा, क्या हम कार्तिक की तरफ जस्टिस कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, कहीं पे जाके हम तीनों का ये डिसीजन रहा है, आई वुड से फॉर थ्री ऑफ अस। ऑनेस्टली हमें यहाँ लगता है कि अगर हम कार्तिक को स्पेशल ट्रीट करेंगे तो हम कहीं पे उसके टैलेंट के साथ नाइंसाफी करेंगे। कार्तिक जैसा है वो स्पेशल है अपने टैलेंट की वजह से, और हम उसको बाकी के कंटेस्टेंट्स की तरह इसी फॉर्मेट में इसी तरह आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा सोनाली ने कहा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, और वो हर चीज में दूसरे को टक्कर देगा, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, और वो उसमें सब में शाइन करेगा, ऐसा मुझे 100% मालूम। तो आपको साइन किया जाता है ब्लॉकबस्टर सुपर 12 में डीएसके की तरफ से 25,000 का चेक आपके लिए। कार्तिक का जो टैलेंट है वो इतना रेयर है, और कार्तिक जैसे एक्टर को इस प्लेटफॉर्म पे देखना मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ये सिग्नल सिर्फ कार्तिक को या कार्तिक के पेरेंट्स को नहीं दे रहे, हम इस देश के हर उस आदमी को एक सिग्नल दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि जो वो चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं।
फिल्म 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 बड़ा पर्दा वहां पर। हाँ यार अभी कुछ और भाषा में बोलेंगे हम लोग, चाइनीज बोलेंगे चिंग्वा थुआ पका चिंग्वा थुं हंगवा क्यों उनका इन ओ अ बत्तियां लाइट्स कैमरा। अरे अभी बोलने दीजिए ना, क्या मतलब हम लोग को भी थोड़ा काम करने दो। अल हबीबी तरकुस कर रबुस को अगिश्नी अखनाखमा क्यों इस बार हम किसी यूरोपियन लैंग्वेज में लाइट्स कैमरा एक्शन बोलेंगे। करकोटोस्कू नहीं सॉरी कैमरा दो करकोटोस्की कैमरा नहीं रशियन में ऐसे नहीं बोलते कैमरा को, कैसे बोलते हैं लाइटोस्की कैमरोस्की एक्शनोस्की लाइट्स नाउ लाइट्स लेबोस्की लेब्लोस्को एक्शन। और अब ब्लॉकबस्टर 12 में शामिल होने का इरादा लिए आ रहे हैं शिवांग और पायल। इसकी शादी हो चुकी है यार, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर रख रहा है तेरे साथ, तुझे इतना नहीं पता क्या करेगा वो, यूज कर रहा है तुझे यार। अगर मुझ में कुछ स्पार्क है, मुझ में कुछ बात है, इसीलिए मैं इन 75 कंटेस्टेंट्स में आया हूं। ये कंपटीशन है और मैं यहाँ पे एक ही मकसद से आई हूँ कि मुझे स्टार बनना है। हमारा टीवी स्टूडियो राउंड के बाद कोरियोग्राफी राउंड था और डांस मुझे दो आता है बट मुझे सीखने में बहुत समय लेता हूँ। डांसिंग है ना थोड़ा और क्लीन करी। रिहर्सल में ठीक हो गया पर स्टेज पे जाते मैं जैसे ब्लैंक हो गया। लेकिन मैंने एनर्जी बरकरार रखी, मैंने कहा कुछ भी करते रहो बट नाचते रहो, रिदम बरकरार रहना चाहिए। शिवांग योर एक्ट्स वर फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कीपिंग इन माइंड मेरी पिछली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, मुझे उन्होंने अगले राउंड में भेजा। मैं स्टेज पे जाके अपना 100% दूंगी चाहे वो डांस स्टाइल मुझे आए या ना आए। Somehow it worked for me. मैंने स्टेज पे जाके बहुत ही अच्छे से डांस किया और जजेस को बहुत पसंद आया। All 5 of you are selected. अगला राउंड जो कि इम्प्रोवाइजेशन था वो सबसे ज्यादा टफ लगा मुझे। शिवांग आपकी तमाम दलीलों और तमाम एक्टिंग को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि आपको फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। मैं काफी टाइम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाती हूँ तो आई होप ये प्रॉब्लम ना आए। पायल आप हमारे साथ अगले राउंड में जा रहे हैं। तो सबने बहुत एंजॉय किया और जिसके बाद मैं ये राउंड भी सिलेक्ट हो गई और पहुंच गए मेगा राउंड। अब जो मेरा थर्ड एंड फाइनल राउंड है मेगा ऑडिशन के लिए वो बचता है स्क्रिप्ट राउंड और मेरी इसमें पार्टनर है पायल थापा। हमें इश्क मूवी से एक सीन मिला है, सिचुएशन के साथ जैसे फ्लो जाएगा वैसे ही करेंगे और अभी तक मुझे लग रहा है कि एक्ट ठीक जा रहा है। मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया है क्योंकि मैं अपने आप को काम रखना चाहती हूँ, मैं परफॉर्मेंस एंजॉय करना चाहती हूँ। ब्लॉकबस्टर 12th में अगर मैं आ जाती हूँ तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं शो में एक मकसद से आई हूँ, अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूव करने आई हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस्ड सब कुछ अच्छा होने वाला है और मैं ब्लॉकबस्टर 12th में जाने वाला हूँ। नमस्ते सर। अरे वाह मधु मुस्कान, कितने मुस्कुरा रहे हो, बहुत बढ़िया, ये एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है। चलो शुरू करो, क्या कर रहे हो? सर हमारा एक स्क्रिप्ट है, आमिर खान मैं बना हूँ और जूही चावला बनी है, फ्रॉम द मूवी इश्क जहाँ पे वो लड़ाई करते हैं मॉल में
उनको भी एक चीज चाहिए, मुझे भी वही चीज चाहिए। चलो शुरू कर दे। यस सर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैं लूंगा। लेडी फर्स्ट की लाइन में। देख, तूने मुझसे पंगे मत ले। मैडम ये तो मेरी बचपन की आदत है। लेगी, 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 ले। रख रख, लेना वैसे भी तो जिसकी ज्यादा जरूरत है। इट्स ओके, चल। क्यों क्यों? क्योंकि ना तेरे मुंह से बदबू आती है। What? हाँ, you smell like yak. मेरे मुंह से बदबू आती है। हाँ, मेरे मुंह से बदबू आती है। तेरे मुंह से। तेरी जान लगी है। तुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये ले, और ले, और ले, और ले, ले। ली चुड़ैल तेरी तो मैं चुड़ैल। अब ये सफाई करने में बहुत वक्त लगेगा। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सर। रियली एंजॉय। वेरी नाइस। आप दोनों ने एक दूसरे की इतनी अच्छी मदद की, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, और मुझे लगता है इसी वजह से एकदम सेल्फलेस एक्ट था, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। और मुझे तो लगता है कि आप दोनों ब्लॉकबस्टर 12 में आ जाओ। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं ब्लाइंड, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई कंटेस्टेंटों को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मैं एकदम ब्लैंक देख रहा हूं, तो मैं जस्ट आई एम इंस्टिंक्ट। नहीं, पर आई एग्री, पायल और शिवांग, कॉमिक टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, और इट्स इट्स देखने में जितना मजा आता है उतना ही करने में वो डिफिकल्ट होता है। हर एक के बस की बात नहीं होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, दोनों ने भी, मजा आ गया। सो मच। आई थिंक वो क्या था, साइनिंग अमाउंट का चेक जो आप लेके आए थे, साइनिंग अमाउंट रेडी रखना पड़ेगा लगता है। एनीवे, सोचेंगे, उम्मीदें मत दिखाओ, अभी और बाकी हैं। हाँ, एक्चुअली दैट्स ट्रू, सिर्फ 12 आ सकते हैं, और मैं 12 ही चेक लेके आया हूं, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बाय पोलका डॉट। मैंने लगा दिया इसके मुंह पे पेस्ट क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहा था ये। फुल कैरेक्टर में आ गई है, इसने फुल वाट लगा डाली मेरी। वहां पे सर को भी लगा कि बहुत सेल्फलेस एक्ट किया, कि हम एक कैरेक्टर में घुस गए, ऐसा नहीं कि हम किसी की देख के एक्टिंग कर रहे थे। इसमें मेरी वाट लगा डाली आँख में, समय मेरे पेस जा चुका है, अब मुझे जल्दी जल्दी जाके मेरा मुंह धोने दो, मेरी आपकी वाट लग रही है, मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, आपको बताऊंगा जो भी होता है। चलो बाय। शिवांक और पायल दोनों ही हिडन पैकेजेस हैं, ये जब भी आए तो इन्होंने कभी बहुत प्रोजेक्ट नहीं किया अपने आप को, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा और काफी स्पेशल टैलेंट है अकॉर्डिंग टू मी। हेलो सर। शिवांक। यस सर। पायल, हमारे हाथ में जो डिसीजन है वो है ब्लॉकबस्टर 12 का, सिर्फ 12 लोगों को हमको आगे लेके जाना है, और आप दोनों लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आपने हर स्टेप पे मेरे ख्याल से हम तीनों को बहुत बहुत एंटरटेन, बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। इसलिए मुझे लगता है ये कहना बहुत मुश्किल है, और थोड़ा
थोड़ा तकलीफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दोनों को हम ब्लॉकबस्टर 12 में नहीं लेके जा रहे। लेकिन जो थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है वो ये कि आप दोनों एज परफॉर्मर्स हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। काफी डिस्कशन और काफी लड़ाई के बाद हम आप दोनों को स्टैंड बाय कंटेस्टेंट रखना चाहते हैं। थैंक यू सर। स्टैंड बाय कंटेस्टेंट का अर्थ है कि जो भी ट्रेनिंग बाकी सारे जो ब्लॉकबस्टर 12 को मिलेगी आपको वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी जो उन 12 को मिल रही है, और आपको इस शो में आगे एक और मौका दिया जाएगा जहां पे आप अपना हुनर फिर से दिखाएंगे और शो में शामिल होने की पूरी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अब डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, पूरी मेहनत कर लेंगे सर, और मुझे लगता है थोड़ी सी गाइडेंस के बाद जरूर मैं इससे तो बेटर 100% कर पाऊंगा। थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आपने हमें एक सेकंड चांस दिया। ऑल द लक। मेरी ऐसी उम्मीद है और मुझे ये होप है कि ये दोनों डेफिनेटली फिर से अंदर आएंगे, क्योंकि दे आर बोथ वेरी टैलेंटेड एक्टर्स एंड आई एम जस्ट होपिंग दे फाइंड देयर वे बैक इनटू द 12। आ जाइए ओक्साना और अरुण कुमार। ये मेगा ऑडिशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार मैं यहाँ हूँ और कमिंग ओनली जस्ट फॉर दिस कंपटीशन। बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ टॉप 12 में जाने के लिए। सचमुच बहुत सारे सपने भी हैं आँखों में। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, बट हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत कर रहे हैं बाकी सब। पहले कोरियोग्राफी क्लियर की, थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ तो क्लियर हूँ। You surprised me. You did a very good audition. और मुझे कहते हुए काफी खुशी हो रही कि you are selected. Thank you very much, sir. उसके बाद आया improvisation. लटक लटक के clear की। अरुण कुमार, you are selected for the final. पहली बार से मुझे डांस बहुत पसंद है। जब मैं डांस करूंगी तो मैं दिल से डांस करूंगी। साना, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट वॉज एक्चुअली अ हार्डकोर डांसिंग। ऑल फाइव ऑफ यू आर सिलेक्टेड। ये एक प्रॉब्लम था है कि मेरा इम्प्रोवाइजन प्रैक्टिस में इम्प्रोवाइजेस दिस इज मेरा हिंदी, मतलब एक्शन रिएक्शन तो है लेकिन हिंदी लैंग्वेज ये लिटिल बिट मुश्किल है मेरे लिए। आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना है। एक बात बताओ। मेरा हिंदी खराब है इसलिए अगर मैं कोई भी गलत होगा तो मुझे बहुत माफ कर दीजिए। हाँ। राज, हाँ। क्या हुआ आज? मैं पता नहीं लेकिन ये दिन मेरे लिए बहुत जोर है यार। हाँ? क्या? जोर है। जोर? देखो, कौन सा जोर? देखो राज, हाँ? क्या हुआ मेरी प्रीति चिंता? क्यों ब्रेकअप करना चाहती? मैं जानती मैंने कौन सी छेड़खानी तुम्हारे साथ की। नहीं, मैं तुझे प्यार करता हूँ राज। करता हूँ? हाँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। टोपी। तू हिंदू और मैं मुस्लिम, इसलिए वो। अरे हिंदू मुस्लिम का प्यार कितना अच्छा प्यार होता है। उर्दू भी सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे, कितना अच्छा होगा। दिवाली में अली, रमजान में राम, फिर काहे के झगड़े का काम। आप में टैलेंट है, सो यू आर इन टू द नेक्स्ट राउंड। अब बारी थी स्क्रिप्ट राउंड की, जो फाइनल पड़ाव है मेगा ऑडिशन क्लियर करने। कोशिश करूंगी कि हमारा पूरा परफॉर्मेंस अच्छी करो।
क्या कर रहे हैं आप लोग? सर DDLJ का एक एक्ट है राज एंड सिमरन के बीच में। कितने बार देखा आपने DDLJ? उकसाना जी, यू हैव नॉट सीन इट? अच्छा, मतलब हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन द मूवी? नो, हाउ मेनी टाइम्स? अ लॉट ऑफ टाइम्स। बचपन से मैं हिंदी मूवी हर दिन देखता हूँ, हर दिन। और एक्चुअली आई लाइक इट ओल्ड मूवी, या ओके, लाइक सरफरोश फॉर एग्जांपल। थैंक्स ओक्साना, रियली। यस, इट्स एन ओल्ड मूवी नाउ। आई गेट इट। एक्चुअली इन माय कंट्री सब लोग जानते कि मतलब सोनाली बेंद्रे कौन है, और मतलब हाँ प्रीति जिंटा कौन है, मतलब शाहरुख खान कौन, सब लोग जानते हैं क्योंकि कितनी मतलब बॉलीवुड मूवी का पसंद है यार। हम लोग का भी फ्यूचर है वहाँ पे, इसका मतलब यहाँ दुकान बंद हो जाएगी, वहाँ जाके कुछ करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा, चलो। आई एम वेटिंग टू सी स्पेशल। ओक्साना, अरुण, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सिमरन राज, राज, मैं यहाँ कैसे आया? कल क्या हुआ राज? कल वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस तरीके से होने वाला है। ठीक ठीक बताओ राज, कल क्या हुआ? अब इस बात को मैं अपने मुंह से कैसे बोल सकता? नहीं हो सकता प्लीज राज, उन्हें कि मैं, तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी आंखें भी झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये जो निशान है देखो तुम्हारा ही है ना। मजाक कर रहा था यार, मुझे पता है तू मुझे क्या समझती है। तू यही सोचती है कि मैं एक घटिया गिरा हुआ आदमी हूं। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं सिमरन, मैं हिंदुस्तानी हूं। मुझे पता है हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। मैं मजाक कर रहा था यार, प्लीज राज, इसका मजाक मत करना। तुम नहीं जानते मैं क्या कर देते। सॉरी, प्रॉमिस। कपड़े पहन लो, हाँ, बस जा रही है। ये मेरी शर्ट मुझे पागल। I am really impressed. इसको भाषा नहीं आती है, और मतलब कैसे, एंड कहीं पे भी नहीं लगा कि आपको हिंदी आती नहीं उतनी अच्छी तरीके से। कितनी खूबसूरती से निभाया आप, बहुत बढ़िया। अरुण, हिंदी जानते हुए भी थोड़ा कमजोर पड़ गया आपके आगे, और मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। थैंक यू। आप ठीक बोला, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। मुझे बहुत कुछ कहना है इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सही वक्त उस समय होगा जब हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बहुत डर लग रहा है क्योंकि हमने दूसरे लोगों का भी देखा है, हमें उनसे भी अच्छा करना है और बाकी जो आने वाले उनसे भी अच्छा करना है। मतलब जजेस ऐसे चुप हो जाने चाहिए। मेरे पति के बारे में ऐसी वैसी बात की ना, तो टांग तोड़ दूंगी तेरी। अरे मैं आपके पति के बारे में ही बात करने आई हूँ, सुनिए तो। हाँ, हाँ, तुझे तो पूरी दुनिया में मेरा ही पति मिला था ना। तो आपके पति से अच्छा इस दुनिया में और है ही कौन। मेरे पति के सामने आंख उठा के देखा ना तो आंखें नोच लूंगी तेरी और टांगे भी तोड़ दूंगी। देखिए, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ 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 हाँ, डूब मर गई पे तो आफत जाए मेरे सर से। एक्चुअली मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जैसा था जैसे स्किट थी अच्छी तरीके से निभाया,
Have fun. और हमारा साइलेंस इज गोल्डन. और हमारी अगली जोड़ी है पुण्याकर और प्रकृति. हेलो, मेरा नाम है पुण्याकर उपाध्याय. मेरा नाम प्रकृति मिश्रा है. अगला पड़ाव है हमारा मेगा ऑडिशन, जिसमें से ब्लॉकबस्टर 12 चुने जाएंगे. बहुत भारी राउंड है ये, इसमें डिपेंड करेगा सब कुछ. काफी अच्छी को पार्टनर मिली है मुझे, बहुत टिप्स भी लिया हूँ ऑफ कोर्स इनसे. बहुत मजा आ रहा है, बहुत काम करने में अच्छा लग रहा है और काफी ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग. लाइट्स, कैमरा, एक्शन. इस तरह छुपी छुपी लड़कियों को देखना अच्छा लगता है क्या आपको? वैसे हम आपके हैं कौन? बता दो. हाँ बिल्कुल. प्रकृति एंड पुण्याकर, आप लोगों को कैसा लगा? आपने कैसा किया पहले ये बताएं. इससे शायद और बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था, बट हम लोग ने अपनी 100% दी इतनी कम टाइम में सब कुछ रिहर्स करके. जो लास्ट रिहर्सल किया था इस एक्ट के जस्ट पहले, उससे बेहतर हुआ कि उससे खराब हुआ? नहीं, उससे बेहतर हुआ सर. बहुत बढ़िया, बस यही जानना था. आपने प्रकृति से सवाल पूछा है ना, पूरी रात वेट करना पड़ेगा फिर. हाँ, आपने देखा नहीं, वो शुरू हो जाती है तो रुकना मुश्किल हो जाता है. हाँ, रुक गई, बहुत जल्दी रुक गई. तो आप क्या बता रहे थे इस एड के पहले? हम उसके एक बहुत अच्छे दोस्त है. रोमांटिक एंड टू मेक द एक्ट अ बिट जैसा वो था. ये तो हम जज करेंगे ना. मैंने आपसे कहा था ना प्रकृति के. सोनाली मैम, मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ, प्लीज बोलिए. दो एक्ट हो गए, आपने कुछ नहीं बोला. और सर आप भी, मैं तब से बात करने की कोशिश की कर रही हूँ बट बात ही नहीं कर रहे कोई. हम लोग बात नहीं कर रहे. हमें मौका मिलेगा तो बात करेंगे ना प्रकृति. ऑल द बेस्ट. यू हैड, यू बोथ ऑफ यू हैड डेफिनेटली सम केमिस्ट्री. नाइस परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी उन लोग को. हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त लगी. पता नहीं ब्लॉकबस्टर 12 में हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे, बट हाँ इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग बहुत अच्छा एक्ट किए और इतना दूर तक आए, उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. क्या करने वाले हैं आप? वीरू एंड बसंती. अरे वाह, सुपर, देखते हैं चलो. कन्या, ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं. भगवान, चमत्कार हो गया, चमत्कार. हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है. अरे वाह, इतनी जल्दी ढूंढ लिया. मुझे उनका नाम बताओ ना प्लीज, प्लीज भगवान. उस वर का नाम है वीरू. बहुत अच्छा मैनेज किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा एम्प्रेस, फैंटास्टिक. परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जजेस को अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा. अब रिजल्ट का उन्हीं पे डिपेंड करता है. कुछ नहीं दिमाग में चल रहा है, बहुत ब्लैंक है हम लोग और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ जो भी होगा अच्छा होगा. पुण्याकर. यस सर. पुण्याकर, आप में डांसिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन आज हम आपको ब्लॉकबस्टर 12 में साइन नहीं कर पाएंगे. थैंक यू अमन. यस सर. स्नेहा, आप दोनों में से एक सेलेक्ट हुआ है और एक को आज ये स्टेज छोड़ के जाना पड़ेगा. और ब्लॉकबस्टर 12 में हम जिसको साइन करने वाले हैं उसका नाम है अमन. यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आई थी एक्चुअली. मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है चलो जो भी होगा होगा. मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया यहाँ पे, इतने ज्यादा लोगों को मिली, मतलब इट वाज सो गुड. सो जस्ट टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट. आई एम मेरी आवाज ऐसी आ रही है क्योंकि मैं पता नहीं मैं रो कि नहीं, मतलब मुझे नहीं रोना है लेकिन आ रहा है. प्रकृति, मैं जो भी बोलूं हाँ या ना, आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप
मेहनत करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, वो पिंक शूज। मैम लकी शूज है मेरे। शायद वो वक्त आ गया है पिंक शूज को निकालने का। What's it, Victor? प्रकृति, I really can't see you like this. आप तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हैं। मुझे लगता है सिर्फ जूतों के लिए इनको ले लेना चाहिए। Oh God, मतलब ये देखने पड़ेंगे जूते फिर से? ये हर एपिसोड में पहनेंगे यार इसके लिए। Oh no. प्रकृति, आप आइए यहाँ पर, अपना चेक लेके जाइए। मालूम नहीं क्योंकि टेंशन तो मच, सो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग सिलेक्ट हो गए हैं, अभी हमारा चांस कितना है वो तो बहुत कम है, भगवान ही मालिक है। उक्साना और अरुण, अरुण आपका सफर हमारे साथ यहीं खत्म होता है। उक्साना, ग्रीवा, जिज्ञासा, आप तीनों में आज का जो परफॉर्मेंस था वो बाजी उक्साना ने मार ली। उक्साना, ब्लॉकबस्टर 12 में हम आपको साइन करते हैं। ग्रीवा, जिज्ञासा, आपका सफर यहीं खत्म होता है। थैंक यू मैम। उक्साना, DSK की तरफ से 25,000 का साइनिंग अमाउंट आपका। का दिन शायद हमारा नहीं था, हमारा परफॉर्मेंस शायद थोड़ा वीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये स्टेज पर मैं आपके साथ, मतलब आपके सामने। ओक्साना, इट्स ओके, जस्ट एंजॉय इट। टू मच फीलिंग, टू मच हैप्पी फीलिंग। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, आई रियली बिलीव इन माई पावर। लेकिन इफ दे बिलीव इन माई पावर, दिस इज वेरी बिग पॉइंट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम बुलाना चाहेंगे सौरभ और विशाल को। क्या करने वाले हो आप? We are doing a scene from Dil Chahta Hai, जहाँ अक्षय खन्ना और आमिर खान की फाइट होती है। Lights, camera, action. I love her, यार। क्या? अभी तू मजाक तो नहीं कर रहा है? भाई तू तो सीरियस लग रहा है। अरे तू पागल हो गया? प्यार और तुझे, चल जा। ये पागलपन नहीं है, ये प्यार है। मैं ये नहीं चाहता यार वो मेरी बन जाए, हमेशा मेरी बन के रहे। अगर वो मुझसे प्यार ना भी करे तो ठीक है, I mean it's completely okay with me. अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया तुझे किस टाइप का प्यार हुआ। याद है तुझे मेरी पहली मुलाकात में एक लड़की, मुझे भी यही प्यार हुआ था, वो ऐसा ही प्यार हो गया तुझे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है सर, बहुत सही जा रहा है तू। सुन मेरी बात सुन, वो तेरे टाइप की है यार, अच्छा है तेरे लिए,
एक्सपीरियंस्ड है, घर में अकेली रहती है, तेरा रोज का आना जाना भी है, सही है, तेरे लिए परफेक्ट है मेरे भाई, तू सही है। और सुन एक बात बोलूँ, तू हमसे भी एक कदम आगे निकला, कंटिन्यू कर। सुन हाँ विशाल दुबे, आप सौरभ को लेके एकदम नहीं डूबे, आपने बखूबी निभाया, एक दूसरे का साथ दिया एंड इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सौरभ और विशाल। यस सर। यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। थैंक यू। साहिल और अक्षय प्लीज स्टेज पे आ जाइए। क्या कर रहा है लखन? चोरी भी शुरू कर दी तूने? चोरी नहीं कर रहा था मैं, मुझे अपना हक चाहिए। मैं अपनी माँ की अस्थियां लेने आया था। कहाँ कहाँ लखन, कहाँ लेके जाएगा तूने अस्थियों को? क्या हर चीज बाप के उससे कमाई है वहां लेके जाना चाहता है तू? इसके जिम्मेदार भी आप है भैया। भैया अक्षय और साहिल आप लोग के टैलेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे लगा कि आपकी तैयारी थोड़ी कम थी। अभी देखते हैं आप साइनिंग अमाउंट लेके जाते हैं कि नहीं ब्लॉकबस्टर 12 के। ब्लैंक है, पता नहीं रिजेक्शन होगा सिलेक्शन होगा कुछ नहीं पता। हार्ट बीट बहुत तेज है, मेहनत सबने कर रखी है, दिल टूटना नहीं चाहिए यार, बाकी सब तो ठीक है। और अब बारी है इन चारों कंटेस्टेंट्स के रिजल्ट्स की। ब्लॉकबस्टर 12 में सिर्फ दो कंटेस्टेंट्स की जगह खाली है और दावेदार हैं चार। इनमें से किन दो को मिलेगा साइनिंग अमाउंट? साहिल, अक्षय, सौरभ, विशाल, सच तो ये है कि ब्लॉकबस्टर 12 में अब सिर्फ दो लोगों की जगह है, तो यहां निश्चित रूप से आप चारों में से किन्हीं दो को जाना होगा। आज साहिल मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्लॉकबस्टर 12 में हम आपको आगे लेके नहीं जा रहे। I'm sorry for that, but all the best and it was a pleasure watching you perform here. Thank you, sir. Thank you. सौरभ, विशाल, काफी मुश्किल था, हम लोगों को काफी वक्त लगा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उन सब के बाद हम तीनों लोग इस नतीजे पे पहुंचे। सौरभ, विशाल और अक्षय, विशाल आपको देखकर मजा बहुत आया, आपने बहुत एंटरटेन किया, लेकिन आज आपको हम आगे लेके नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि नहीं यार, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं स्टेज पे जाने से नहीं डर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया कहाँ चूक गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों ब्लॉकबस्टर 12 में आ गए। तो दोस्तों फाइनली 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 ऑडिशन यहाँ पर खत्म होते हैं और हमें मिले हैं हमारे ब्लॉकबस्टर 12। ये जो हौसला मिला है हमको, हम इसको अब ना थमने देंगे। अपनी पूरी कोशिश और पूरी मेहनत हमारी ये होगी कि कैसे हम आपका ये रॉ टैलेंट इसको ग्रूम करें, इसको निखारें और इसको इसके अगले लेवल तक ले जाएं। लेकिन इस सब में आपकी लगन और आपकी मेहनत ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट एंड होप दैट यू ऑल शाइन। अब इसको हम ना रुकने देंगे। सबकी जुबां पे हम नाम हो, ऐसी हमारी हस्ती बने, रोशन वजूद अपना हो, सदा एक रोशनी ऐसी चुने। अगले हफ्ते से शुरू होगा इनका इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार बनने का सफर। ब्लॉकबस्टर 12 में शामिल हैं
अभिमन्यु काक, भावना भरतवाल, अमन जोशी, शीतल चौहान, कार्तिक व्यास, ओक्साना रजलोवा, सौरभ भारद्वाज, प्रकृति मिश्रा, सैयद ममून, मीनू पांचा, अक्षय नलावड़े और सोनम बेश। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते हमारे 12 ब्लॉकबस्टर्स के साथ ऑन सेरा, इंडियाज़ बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज, पावर्ड बाय ग्लैम।